हेलो व्यूअर्स, आज फिर से आप सबको डिस्कवर एनी इंडिया MD यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आप सबको दुनिया के एक सबसे खूबसूरत जगह जिसको जीरो का नाम से जाना जाता है वहीं ले चलता हूँ। जीरो ईटानगर से 120 किलोमीटर दूर है और वहाँ से बाई रोड अबाउट 5 to 5.5 hours लगा जाता है। आज मैं आप सबको एक सबसे कमर्शियली इम्पोर्टेंट जो फ्रूट कीवी का नाम से जाना जाता है उसका बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये कीवी ऑर्चर्ड है। कीवी ऑर्चर्ड डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले टेरेस बनाना पड़ता है, क्योंकि जितना लैंड एरिया है ज़्यादातर स्लोप एरिया में है। टेरेस को ऐसा बनाना पड़ता है कि जो रो टू रो रहेगा वो 4 meters रहे और प्लांट टू प्लांट रहेगा वो 6 meters रहे, क्योंकि ये रिकमेंडेड डिस्टेंस है। और यही स्पेसिंग को मेंटेन करते हुए पीट डिगिंग शुरू कर देता है। पीट साइज को लेंथ ब्रेथ एंड वाइड को 1 meter 1 meter और डेप्थ को 1 meter रखा जाता है। पीट को नॉर्मली 5 to 6 months एडवांस में जुलाई अगस्त में बना जाता है। उसका बाद अबाउट 20 kg पर पीट्स में मेन्यूर मिक्स करके पीट को तैयारी किया जाता है। जब जनवरी और फेब्रुआरी मंथ आएगा उसी समय में कीवी सेपलिंग को वन ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट करने का बाद फिर ट्रेलिस बनाना पड़ता है। ट्रेलिस को अबाउट 5 या 5.5 feet ऊंचा रखना पड़ता है और उसको हैवी आइडर कंक्रीट से या आयरन से बनाना पड़ता है, ताकि सब फ्रूट जब लगे पल लगे उसको अच्छे से बियर कर सके। क्योंकि ऑन एन एवरेज एक एक कीवी का पेड़ में 80 kg फल लगा जाता है और कहीं कहीं वेल मैनेज बाला में अप टू 120 kg तक रिपोर्टेड है। तो उसको बियर करने के लिए जो ट्रेलिस है बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और हेवी होना पड़ेगा, स्पेशली जो रेनी सीजन में जब कीवी का प्लांट में पानी भी लग जाता है, वेट और बढ़ जाता है तो उसका कारण से और सोयल लूज होने का कारण से कभी कभी गिर जाता है, इसलिए अच्छे से बनाना पड़ता है। तो ये कीवी फ्रूटिंग है। ये 7 to 8 years ओल्ड प्लांट है। नॉर्मली फ्रूट 30 years से बियर करना शुरू हो जाता है, लेकिन पीक पीरियड 7 to 8 years से शुरू होता है। ये कीवी ऑर्चर्ड है जो हेविली फ्रूटेड एरिया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और इसी तरह से वीडियो आप सब देखने मिले। थैंक यू।